अयोध्या जिस भगवे रंग में सनातन धर्म की संस्कृति के साथ रंगा हुआ है और जो यहाँ पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, उन तमाम लोगों की सुरक्षा और इस क्षेत्र की स्वच्छता के लिए जो जवाबदार हैं, उनको भी आज पूरे देश में हर व्यक्ति को सलाम करना चाहिए। वो हैं हमारे देश के सुरक्षाकर्मी जो यहाँ पर 24 घंटे पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में यहाँ पर अयोध्या नगरी की सुरक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो हर चौराहे पे खड़ी है, जो हर जगह पे तैनात हैं। यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन फिर भी सभी लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इन जवानों को सलाम है। और अब हम उन कर्मवीरों की बात करेंगे जिनके कारण से अयोध्या नगरी स्वच्छ दिख रही है। यह अयोध्या नगरी भगवान श्री राम का कल जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस समय जब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब लोग यहाँ पर आएंगे और वो अयोध्या नगरी को, भगवान राम की नगरी को जो स्वच्छ नगरी की तरह से देखेंगे, उनका श्रेय इन सभी को जा रहा है। इन सभी को इसलिए जा रहा है क्योंकि ये हाथ में झाड़ू लेके इस पूरी अयोध्या नगरी को साफ रखने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या नगरी को स्वच्छ अयोध्या बताया है। ये वो कर्मवीर हैं जिन्होंने भगवान राम के राम राज्य को स्वच्छ बनाने का बेड़ा उठाया है। तो इन तमाम सफाई कर्मचारियों को भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हर व्यक्ति को इन हमारे देश के इन जवानों को सलाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को वंदन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं तो अयोध्या स्वच्छ है, ये लोग हैं तो अयोध्या सुरक्षित है। जय श्री राम, जय श्री राम।